हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर बीए बीकॉम बीएससी 17-23 से 27 वाले स्टूडेंट का प्रैक्टिकल का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से कब तक लिया जाएगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस चैनल पर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वीडियो आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में बता दूं कि आपका एग्जाम कब से होगा। चलिए मैं सबसे पहले पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है उसी नोटिफिकेशन को दिखाता हूं। हाँ तो देखो यहाँ पर देख सकते हो पूर्णिया यूनिवर्सिटी की ओर से 4/8/2024 को यह नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें कि बताया गया है कि आपका प्रैक्टिकल का परीक्षा 5 तारीख से शुरू होने वाला है। 5 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपका परीक्षा होगा, यानी आपका प्रैक्टिकल का परीक्षा लिया जाएगा। तो आपको रूटीन के बारे में कैसे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट, पहले आपको सबसे पहले अपना सेंटर देखना पड़ेगा। सेंटर कैसे देखोगे, तो सेंटर लिस्ट पूर्णिया यूनिवर्सिटी की ओर से भी जारी किया गया है। अगर आपके पास अगर सेंटर लिस्ट नहीं है तो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्वाइन होकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होगा, जो ग्रुप के एडमिन है उससे कांटेक्ट करके आप सेंटर लिस्ट मंगा सकते हैं। चलिए मैं आपको सेंटर लिस्ट सबसे पहले दिखाता हूं, तब आपको बताऊंगा कि रूटीन आपको किस प्रकार से पता चलेगा कि आपका एग्जाम कब से होगा। क्योंकि देखो 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में डेट निर्धारित किया गया, इतना बीच में आप लोग का एग्जाम लेना है, लेकिन अभी रूटीन नहीं निकाला गया। तो चलिए मैं आपको पहले एग्जाम का सेंटर लिस्ट दिखाता हूं। हाँ तो देखो देख सकते हो यहाँ पर सेंटर लिस्ट, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर लिस्ट एंड प्रोग्राम एंड यूजी सीबीएसई सेकेंड सेमेस्टर जून 2024 प्रैक्टिकल एग्जाम। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आप अपना एग्जाम सेंटर, मतलब पहले आप सब्जेक्ट सर खोजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट नीचे में अपना सब्जेक्ट खोजना। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सबसे पहले देखिए फिजिक्स का बगल में कॉलेज अटेंड लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले अपना कॉलेज होना। जैसे कि डीएस कॉलेज कटिहार, केविझा कॉलेज कटिहार, एसआरसीडी कॉलेज कटिहार, और आपका आरवाई कॉलेज मनिहारी, ये सबका सेंटर देखो कहां पड़ा गया है। यहां पर देख सकते हो नेम ऑफ सेंटर, यानी डीएस कॉलेज में इसका एग्जाम होने वाला है। इसी प्रकार से आप नीचे देखिए स्क्रॉल करते जाइएगा, इसी प्रकार का सभी सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर जैसे ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर का, जिसका ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर है, जिसका कि केविझा कॉलेज है, केविझा कॉलेज का स्टूडेंट हो, एसआरसीडी कॉलेज कटिहार का स्टूडेंट हो, आरवाई कॉलेज मनिहारी का स्टूडेंट हो, बीडी कॉलेज बरौंदा या बलरामपुर कॉलेज या बीएमएम कॉलेज बरारी, जो है इसका सेंटर केविझा कॉलेज दिया गया है ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर का। अगर आप म्यूजिक ऑनर्स पेपर का हो तो आपका एग्जाम महिला कॉलेज में लिया जाएगा, जिससे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कॉलेज का लिस्ट है। इसी प्रकार से आप लोग इसको मतलब अपना सबसे पहले सेंटर देख लीजिएगा। और आप बात करते हैं कि आपको रूटीन के बारे में कैसे पता चलेगा। देखो रूटीन के बारे में आपको, देखो जिस कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा है उसी उस कॉलेज से एक रूटीन जारी किया जाएगा। जैसे ही रूटीन जारी होता है, अगर हमारे द्वारा मेरे पास आता है रूटीन, तो मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से तो सूचित कर ही दूंगा। लेकिन आप लोग को अगर नहीं आता है तो आप लोग को 5 तारीख को कॉलेज जाना ही पड़ेगा, अगर 5 को नहीं तो 6 को कॉलेज जाइएगा। क्योंकि देखो अभी आज ही निकला है, तो धीरे धीरे करके सभी कॉलेज रूटीन जारी किया जाएगा। जहाँ आपका सेंटर पड़ा है कॉलेज वाला रूटीन जारी करेगा, उसी के हिसाब से आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता होगा कि जैसे आरवाई मनिहारी कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम पड़ा था, तो वह रूटीन जारी किया, रूटीन के अनुसार आप लोग का एग्जाम लिया गया था। लेकिन आपका निर्धारित समय है 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आप लोग प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाएगा। अब किस दिन लिया जाएगा इससे कोई पता नहीं है अभी तक। जब तक आप जब जहां सेंटर पर आए वहां से जब तक रूटीन नहीं आता तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए आप लोग 5 तारीख को आप लोग अपना कॉलेज एक बार जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, ऐसे विजिट कर लीजिए। क्या पता कि एग्जाम हो रहा हो, अगर एग्जाम हो गया तो आप लोग एग्जाम छूट जाएगा, इससे अच्छा आप लोग अगर विजिट कर लीजिएगा। वैसे भी रूटीन जारी करना ही है, रूटीन जैसे जारी होता है मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दूंगा। इसलिए ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन हो जाइए। और अपना अगर आपका पीडीएफ प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब जो पीडीएफ है सेंटर लिस्ट का पीडीएफ अगर प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से कांटेक्ट कर पीडीएफ मंगा लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।